अगर कोई लड़की आपको क्यूट लगती है, मतलब बहुत प्यारी लगती है, तो आप उसको क्यूट गर्ल के अलावा आप उसको कह सकते हो अडोरेबल गर्ल, लवली गर्ल, स्वीट गर्ल, लवेबल गर्ल या एंडियरिंग गर्ल. आई लाइक दैट गर्ल, शी इज अडोरेबल. जैकेट पहन लो, पुट ऑन द जैकेट, जैकेट उतार दो, टेक ऑफ द जैकेट. किसी चीज को पहनने के लिए हम बोलते हैं पुट ऑन और उतारने के लिए बोलते हैं टेक ऑफ. टोपी पहन लो, पुट ऑन द कैप, टोपी उतार दो, टेक ऑफ द कैप. अब आप एक सेंटेंस बनाओ और कमेंट्स में लिखो अपने जूते पहनो. सीढ़ियों को इंग्लिश में स्टेयर्स कहते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं चलती सीढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिस पर आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती, एक जगह पर खड़े रहते हैं और वो आपको नीचे से ऊपर ले जाती हैं, उन्हें बोलते हैं एस्केलेटर. वो रास्ता जिस पर आप खड़े होते हो पर आप चलते नहीं हो और वो आपको बिना चले ही आगे पहुंचा देता है, उसको बोलते हैं मूविंग वॉकवे, यानी कि ऐसा रास्ता जो अपने आप चल रहा है. उसे काम पर जाने के लिए देर हो रही थी, ही वॉज रनिंग लेट फॉर वर्क. वो नाश्ता तक नहीं खा पाया, ही कुडंट इवन हैव ब्रेकफास्ट. ऊपर से बारिश होने लगी, ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रेनिंग. उसे काम से निकाल दिया गया, ही गॉट फायर्ड फ्रॉम वर्क. इस वक्त उसका समय खराब चल रहा है, ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच राइट नाउ. अब उसे क्या करना चाहिए, इसका आंसर आप दीजिए कॉमेंट्स में. एक चीज थी जिसकी वजह से सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी. देयर वॉज वन थिंग बिकॉज ऑफ विच सुष्मिता सेन बिकेम मिस यूनिवर्स. क्या आप जानते हो वो क्या था? डू यू नो वॉट इट वॉज? उन्होंने औरों से ज्यादा मेहनत नहीं की थी. शी हैड नॉट वर्कड हार्डर देन अदर्स. उन्होंने बस कुछ अलग किया. शी जस्ट डिड समथिंग डिफरेंट. उन्होंने सीधे दिल से बोला. शी स्पोक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. और उन्होंने इतिहास रच दिया. एंड शी क्रिएटेड हिस्ट्री. किसी को नींद से जगाने को इंग्लिश में बोलते हैं वेक अप. जरा उसे जगाइए, प्लीज वेक हिम अप. मैंने उसे जगा दिया, आई वोक हिम अप. वो तो सोया हुआ है अभी भी, ही स्टिल अस्लीप. अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ. और अगर कोई बहुत गहरी नींद सो रहा है तो आप कह सकते हो फास्ट अस्लीप, ही इज फास्ट अस्लीप. वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है. अब आप एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट्स में बताइए, उसे 6 बजे उठा देना. तुमने कपड़े धो लिए क्या? डिड यू वॉश द क्लोथ्स? तुम कपड़े हाथ से क्यों धो रहे हो? व्हाई आर यू वॉशिंग द क्लोथ्स बाय हैंड? किसी चीज को हाथ से करने के लिए हम बाय हैंड बोलते हैं. इन्हें मशीन में धो लो, वॉश देम इन द वॉशिंग मशीन. कपड़े ठीक से धोना, वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली. अब आप एक सेंटेंस लिखिए कमेंट्स में, मैं कपड़े धो चुकी हूँ. अरे उसका थोड़ा ख्याल रखो यार, शी इज ईटिंग फॉर टू. इसका क्या मतलब होता है? क्या आप जानते हैं इसका मतलब कि कोई लड़की अगर माँ बनने वाली होती है तब हम कहते हैं शी इज ईटिंग फॉर टू, मतलब कि वो दो लोगों के हिसाब से खा रही है. अब आप कहेंगे उसको तो प्रेग्नेंट कहते हैं कि वो माँ बनने वाली है, गर्भवती है, उसी को आप कह सकते हैं शी इज ईटिंग फॉर टू. मुझे देखने दो, लेट मी सी. मुझे खाने दो, लेट मी ईट. मुझे कुछ करने दो, उसके लिए आपको यूज करना होता है लेट मी. मुझे ये खरीदने दो, लेट मी बाय दिस. मुझे पैसे देने दो, लेट मी पे. आप एक सेंटेंस बनाओ और कमेंट्स में लिखो, मुझे सोने दो. मेरे साथ होशियारी मत करना, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी. भाड़ में गई तेरी दोस्ती, टू हेल विद योर फ्रेंडशिप. मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, आई विल नेवर फॉरगेट इट. तुमने आज जो किया ना वो ठीक नहीं है. व्हाट यू हैव डन टुडे इज नॉट राइट. तुम्हें पछताना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिपेंट. मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी. इसकी इंग्लिश आप बताइए कमेंट्स में. किसी की तारीफ या प्रशंसा करने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज. एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करता है. अ गुड टीचर प्रेजेस द स्टूडेंट्स. उसका काम तारीफ के काबिल है. ही डिजर्व्स प्रेज फॉर हिज वर्क. अब आप एक सेंटेंस बनाओ और कमेंट्स में लिखो, मुझे आपकी तारीफ नहीं चाहिए. वो छुपा रुस्तम है. वो बहुत बड़ी रकम कमा रहा था और किसी को नहीं पता था. ही इज अ डार्क हॉर्स. ही वॉज अर्निंग अ फॉर्च्यून बट नोबडी न्यू. छुपा रुस्तम को इंग्लिश में कहते हैं डार्क हॉर्स, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपनी खासियत है और अपने आइडियाज हैं मन में छुपा कर रखते हैं और दूसरों को नहीं बताते. क्या आप एक छुपे रुस्तम हैं? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में. क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलती है? सोचिए, इसमें ये गलती है, किसी भी सेंटेंस में अगर डिड आ गया तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और न्यू जो है वो सेकेंड फॉर्म है. ये होना चाहिए आई डिडंट नो द आंसर. इस सेंटेंस में क्या गलती है? सोचिए, इसमें ये गलती है कि चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, मतलब कि बहुवचन है. कोई चीज़ अगर प्लूरल हो गया, बहुवचन होती है, तो उसमें हम डजंट नहीं, उसमें डोंट लगाते हैं. तो क्या होना चाहिए आंसर? चिल्ड्रन डोंट नीड अ टिकट. मैं आपसे कुछ इंग्लिश के सवाल पूछूंगी और आपको 3 सेकंड्स में जवाब देना होगा. आपके ऑप्शंस हैं डू, डस और वर. पहला सेंटेंस, क्या वो यहां काम करता है? डैश ही वर्क हेयर. डज ही वर्क हेयर? तुम कल क्या कर रहे थे? व्हाट डैश यू डूइंग यस्टरडे? What were you doing yesterday? क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? Dash they like each other? Do they like each other? उसे फौरन अस्पताल ले जाओ. Take him to the hospital at once. अगर किसी भी सेंटेंस में आपको किसी चीज के लिए बोलना हो कि ये फौरन करो, एकदम से करो, तुरंत करो, उसके लिए आप लगाएंगे at once. डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने का फैसला किया. The doctor decided to operate at once. फौरन साफ करो ये कचरा. Clean up this mess at once. फौरन मेरे ऑफिस में आओ. इसकी इंग्लिश आप बताइए कॉमेंट्स में.
बच्चों के साथ बोले जाने वाले कुछ इजी सेंटेंसेस ताकि उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो। सोने से पहले दांत ब्रश कर लेना। ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। अपनी नाक साफ करो। क्लीन योर नोज। बड़ों की इज्जत करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मेरे लिए पानी ला दो। ब्रिंग वाटर फॉर मी। जाओ अपना होमवर्क करो। गो एंड डू योर होमवर्क। अगर बच्चे को कहीं दर्द हो रहा है और वो बोलता है दर्द हो रहा है और आपको बोलना है कहाँ दर्द हो रहा है, तब आप कहेंगे वेयर डज इट हर्ट। जल्दी से तैयार हो जाओ। क्विकली गेट रेडी। उसे मत छूना। डोंट टच दैट। बी नाइस टू अंकल। अंकल के साथ अच्छे से बर्ताव करना। आपकी तमीज कहाँ पर है? ये किस तरह से बात कर रहे हो? वेयर आर योर मैनर्स? अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप कैसे हो, उसके लिए हाउ आर यू की जगह कह सकते हो हाउ हैव यू बीन, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, हाउज एवरीथिंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे देखा, उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही वो उठता, अपना फोन चेक करने लगता है। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं एज सून एज। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने गाड़ी रोक दी। एज सून एज ही सॉ मी ही स्टॉप्ड द कार। जैसे ही वो उठता है, अपना फोन चेक करने लगता है। एज सून एज ही वेक्स अप ही चेक्स हिज फोन। मैं जैसे ही पहुंचूंगा आपको फोन कर दूंगा। आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव। मैं जैसे ही बिस्तर पर गया, मुझे नींद आ गई। इसका जवाब आप दीजिए कॉमेंट्स में। वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया। ही कुडंट कंट्रोल हिज एंगर। उन्होंने मुझे धोखा दिया। दे चीटेड मी। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम देम। मुझे अपनों ने लूटा। माय ओन पीपल रॉब्ड मी। सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। अब मैं क्या कर सकती हूँ? इसकी इंग्लिश आप बताइए कमेंट्स में। क्या आप जानते हैं कि इस सेंटेंस में डू आएगा या डज? अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि डू कहाँ पर आएगा और डज कहाँ पर आएगा, तो मैं आपको ऐसा फॉर्मूला दूंगी जिससे आपसे कभी गलती नहीं होगी। डू कहाँ पर आता है? जहां पर भी आई, यू या प्लूरल मतलब कि बहुवचन हो, मतलब कि मैं, आप और बहुवचन अगर जहां पर भी होगा वहां पर हम लगाएंगे डू। और डस कहां पर आएगा? बाकी जितने भी बचते हैं वहां पर हम लगाएंगे डस। जैसे कि क्या वो मुझे पसंद करता है? डज ही लाइक मी? यहाँ पर डस क्यों आया? क्योंकि वो ना तो आई है, ना यू है और ना ही प्लूरल है, तो आया डज। अगर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे पसंद करते हो, तो मैं बोलूंगी डू यू लाइक मी, क्योंकि आई, यू और प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। क्या बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं? डैश चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट। अब इसका जवाब आप दीजिए कि यहाँ पर डू आएगा या डस। ये तो आप सभी को पता है कि होठों को लिप्स कहते हैं। ये दोनों होठों को मिलाकर ये जो पूरा मुंह होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। आंखों के ऊपर की ये वाली जगह, इसको बोलते हैं आई लिड। अगर दोनों की बात करें तो हो जाता है आई लिड्स। इनको बोलते हैं आई ब्राउज। और ये जो पलके होती हैं, इसका अगर एक बाल लें तो उसको बोलेंगे आई लैश, और अगर ये सारी पलके हों तब आप कहेंगे आई लैशेस। और जो ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं जॉज। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ठोड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मुझे आइसक्रीम बनाना आता है, क्या आपको आइसक्रीम बनाना आता है? इस तरह के सेंटेंसेस को आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। किसी को कोई चीज आती है क्या? उसके लिए हम यूज करते हैं नो हाउ टू। मुझे आइसक्रीम बनाना आता है। आई नो हाउ टू मेक आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू मेक आइसक्रीम? मुझे तैरना आता है। आई नो हाउ टू स्विम। क्या आपको तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम? मुझे कॉफी बनाना आता है। क्या आपको कॉफी बनाना आता है? इन दोनों सेंटेंसेस का जवाब दीजिए कॉमेंट्स में। क्या आप जानते हैं कि कचौड़ी को इंग्लिश में पाई कहते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्टफ्ड एंड फ्राइड पाई। जलेबी को इंग्लिश में बोलते हैं फनल केक। गोलगप्पों को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बॉल्स। समोसे को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोल। अब आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि खीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं।